मैं आपका होस्ट ऋषभ आज गुड़गांव के अंदर डीएलएफ फेस टू में लेकर आया हूं 200 स्क्वायर यार्ड का बहुत ही शानदार लग्जरी बिल्डर फ्लोर। एज वी नो कि हमारे गुड़गांव के अंदर फोर्थ फ्लोर की रजिस्ट्री जब से बंद हुई है मार्केट में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक बचा हुआ है और डीएलएफ फेस टू वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है जिसमें कि इस साइज के अंदर बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। तो जो भी प्लान कर रहा है गुड़गांव के अंदर 200 गज में बिल्डर फ्लोर वो हमारी वीडियो के साथ एंड तक बना रहे। और इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ हमारे इस प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी की। तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर NH 8 मिलता है, मेट्रो स्टेशन चिकंदरपुर आपको मिल जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मार्केट, क्लब, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। और अभी हमारे पास एट प्रेजेंट जो भी देख रहा है टॉप बिट टेरेस छोटे साइज के अंदर और कम बजट में हमारे पास टॉप बिट टेरेस भी अवेलेबल है इस प्रॉपर्टी के अंदर डीएलएफ फेस टू में। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। आइए अब मैं बात करता हूँ हमारे फ्रंट के एलिवेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन हमारा यू साइज की आपको रनिंग बालकनी मिलने वाली है, MS वर्क मिलने वाला है, वुडन के साथ ग्लास वर्क भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि मेंटेनेंस फ्री होने वाला है। और इसी के साथ अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे कार पार्किंग की। तो आपको दो डेडिकेटेड प्रॉपर्टी के अंदर कार पार्किंग भी मिलती है छोटे साइज के अंदर। और साथ में अब मैं बात करता हूँ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम की। तो आप जैसे ही देख सकते हैं जैसे ही आप एंट्री पर मेन हमारे फ्रंट एंट्रेंस पर आते हैं आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड हो जाता है। और अब मैं लेके चलूंगा आपको प्रॉपर्टी की तरफ वीडियो शूट देने के लिए। और उससे पहले मेरा सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है जो भी मेरे चैनल को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अपनी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। आइए चलते हैं फ्लोर की तरफ वीडियो शूट देने के लिए। As you can see, अब हम आ गए हैं प्रॉपर्टी के फ्लोर पर शूट देने के लिए। शूट देने से पहले मैं बात कर लेता हूँ हमारे इस प्रॉपर्टी के लेआउट की। तो आपको इसके अंदर 3 बेडरूम मिलते हैं विद अटैच वॉशरूम, आपको सेपरेट डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया और साथ ही में आपको मिलती है मॉड्यूलर डिजाइनर किचन और पौड़ा वॉशरूम भी। ये था हमारा लेआउट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी प्रॉपर्टी किस तरीके की बनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ हमारे मेन एंट्रेंस पर। मेन एंट्रेंस पर आपको मिल जाता है लॉक और साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका वीडियो डोर फोन आपको बात करने के लिए। चलिए अब मैं दिखाता हूँ हमारा मेन एंट्रेंस का हमारा लॉबी एरिया। आप देख सकते हैं अभी एट प्रेजेंट मैं पहुंच चुका हूं हमारे प्रॉपर्टी के लॉबी एरिया में। आपको यहां पर खाने की लिफ्ट मिल जाती है, सेपरेट आपको यहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मिल जाता है, प्रॉपर ग्रेनाइट की आपको यहां पर फिनिशिंग मिल जाती है। आप दिखा सकते हैं अब मैं एंटर कर रहा हूं हमारे प्रॉपर्टी में तो यूज साइज का वुडन का गेट मिलता है और मैं पहुंच चुका हूं हमारे डाइनिंग एरिया में। आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट मैं डाइनिंग में हूं, प्रॉपर आपको टाइलिंग की फ्लोरिंग मिलती है, फॉल सीलिंग की मैं बात करता हूँ आपको डिजाइनर फॉल सीलिंग मिलती है, आपको दो यहाँ पर आपको फैन देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ फ्रंट के पोर्शन में, दिखाता हूँ आपको हमारा लिविंग एरिया। और फ्रंट लिविंग एरिया में एंटर करने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है सेपरेट आपका पूजा एरिया, मंदिर एरिया, आप यहाँ पर आपको मंदिर अपना बना सकते हैं। अब मैं एंटर कर चुका हूँ हमारे लिविंग एरिया में, देख सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पर भी टाइल फ्लोरिंग मिलती है। फॉल सीलिंग की बात करता हूँ तो डिजाइनर आपको फॉल सीलिंग मिलती है, फिटेड आपको डाइकिंग का AC मिलता है और फ्रंट वाली मेरी वॉल पर आपको मिल जाती है टीवी कैबिनेट, प्रॉपर आपको यहाँ पर टीवी कैबिनेट भी मिल जाती है। और मैं बात कर लेता हूँ हमारे प्रॉपर्टी के प्लस पॉइंट की। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे बैक साइड में प्रॉपर नेचुरल लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये नेचुरल लाइट आपको हर एक रूम के अंदर मिलेगी, क्रॉस वेंटिलेशन आपको हर एक रूम के अंदर मिलेगा। और इसी के साथ मैं एंटर कर रहा हूँ हमारे फ्रंट की बालकनी में, देख सकते हैं आप ये हमारी फ्रंट की बालकनी है जो कि हमारे लिविंग एरिया को और हमारे फर्स्ट बेडरूम को कनेक्ट करती है। आप दिखा सकते हैं प्रॉपर आपको यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिल रही होगी, काफी अच्छा फील यहाँ पर आ रहा है मेरे को, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं लेके चलूंगा आपको हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। मैंने आपको बताया हमारा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, अब हम जा रहे हैं हमारे प्रॉपर्टी के फर्स्ट बेडरूम में। एंटर करता हूँ मैं हमारे प्रॉपर्टी के फर्स्ट बेडरूम में। आप देख सकते हैं यू साइज का आपको अकॉर्डिंगली 200 गज के अंदर आपको जो रूम साइज देखने को मिलते हैं काफी छोटे मिलते हैं बट अच्छा रूम साइज ये भी होने वाला है।
फ्लोरिंग की मैं बात कर लेता हूँ, इटालियन फ्लोरिंग ये भी रहने वाली है। और अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करता हूँ, देख सकते हैं डिजाइनर फॉल सीलिंग मिलती है, वुडन वर्क भी आपको एंट्रेंस डोर पर मिल जाता है, प्रॉपर एक फैन मिलता है, बैक साइड की आप बॉल दिखाएंगे तो आपके यहाँ पर डाइकिन का फिटेड एसी मिलता है। मैं बात कर लेता हूँ टीवी कैबिनेट की, तो आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको यहाँ पर टीवी कैबिनेट भी अवेलेबल होता है, और यहाँ पर आपको मिल जाती है वार्डरोब, काफी स्पेशियस वार्डरोब आपको यहाँ पर रहने वाली है, देख सकते हैं स्पेस की कोई कमी नहीं है। और जैसा कि मैंने बात किया था क्रॉस वेंटिलेशन की, आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको टफन ग्लास के साथ प्रॉपर आपको नेचुरल सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिलने वाला है। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। मैं एंटर कर रहा हूँ हमारे वॉशरूम में, एंटर करते साथ ही आप देख सकते हैं प्रॉपर टाइल वर्क में वुडन का फील आ रहा है। एंटर करते साथ ही आप देख सकते हैं 2 फीट की यहाँ पर वैनिटी मिल जाती है, यहाँ पर आपको सिंक मिलता है, फिटेड टैब मिलते हैं कूलर के, और यहाँ पर मिल जाता है एलईडी लुकिंग मिरर, और सेपरेट आप यहाँ पर दिखा सकते हैं शावर एरिया है, ग्लास के फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पर मिलता है शावर एरिया, फिटेड टैब मिल जाते हैं, और सेपरेट आपको यहाँ पर मिलता है डब्ल्यूवीसी और सिस्टम, आप दिखा सकते हैं एरिया अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है सेपरेट डब्ल्यूवीसी और सिस्टम। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम और फर्स्ट बेडरूम का अटैच वॉशरूम। अब मैं लेके चलता हूँ हमारे बैक साइड के पोर्शन में। ये था हमारा फ्रंट साइड का, जिसमें एक बेडरूम था और हमारा लिविंग एरिया था, और वापस से हम पहुंच चुके हैं डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया से हमारा कनेक्ट करता है पाउडर वॉशरूम। अब मैं एंटर कर रहा हूँ हमारे पाउडर वॉशरूम में, एंटर करते साथ ही आप देख सकते हैं लाइट थीम में ये वॉशरूम रहने वाला है, 2 फीट की वैनिटी, कूलर का सिंक, टैप और लुकिंग मिरर आपको यहाँ पर मिलेगा, और डब्ल्यूवीसी सिस्टम भी इसमें मिलने वाला है, और बैक साइड में आपको मिलेगा वेंटिलेशन। चलिए ये था हमारा बड़ा वॉशरूम। अब मैं लेके चलता हूँ हमारे इस प्रॉपर्टी के मॉडलर डिजाइनर किचन में। देख सकते हैं मैं एंटर कर चुका हूँ हमारे किचन की तरफ। 200 गज के अकॉर्डिंगली काफी स्पेशियस ये किचन रहने वाली है। थीम की अगर मैं बात करता हूँ तो व्हाइट आपको यहाँ पर प्रॉपर व्हाइट टच में आपको किचन मिलेगी। फ्लोरिंग की बात करता हूँ, प्रॉपर इटालियन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर भी रहने वाली है। यहाँ पर आपको मिल जाती है ग्लैन का होप मिल जाता है, ग्लैन की आपको यहाँ पर चिमनी मिल जाती है, स्टोरेज आपको काफी मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज की कोई कमी रहने वाली नहीं है, स्टोरेज भी मिलेगा, डबल वॉल यहाँ पर आपको सिंक मिलेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेपरेट माइक्रोवेव, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टोरेज काफी है, आपको नीचे भी काफी स्टोरेज यहाँ पर सॉफ्ट टच आपको स्टोरेज यहाँ पर मिल जाएगी, देख सकते हैं फैक्ट्री फिटेड आपको प्रॉपर सारा स्टोरेज रहने वाला है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा रेफ्रिजरेटर का स्पेस, आप यहाँ पर अपना रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए ये थी हमारी मॉडलर डिजाइनर किचन। अब मैं लेके चलता हूँ हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम होगा, आप देख सकते हैं मैं एंटर करते साथ ही प्रॉपर इटालियन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो डिजाइनर आपको वुडन टच के साथ फॉल सीलिंग मिलेगी, सेंटर में आपको फैन मिलेगा, और मेरी बैक साइड में आप देख सकते हैं प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पर रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा डाइकिन का फिटेड एसी, और फ्रंट साइड पे आप वॉल दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा टीवी कैबिनेट, काफी अच्छा ये टीवी कैबिनेट रहने वाला है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर यूज आपको यहाँ पर स्टोरेज मिलेगा, देख सकते हैं स्लाइडर डोर के साथ आपको यहाँ पर स्टोरेज रहने वाला है। चलिए दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ हमारे इस रूम के वॉशरूम की तरफ। आप देख सकते हैं मैं एंटर कर रहा हूँ हमारे वॉशरूम में, एंटर करते साथ ही फ्रंट में आपको डब्ल्यूवीसी सिस्टम मिलता है, सेपरेट ग्लास फिनिशिंग के साथ सेपरेट आपको शावर एरिया मिल जाता है, फिटेड टैब मिलते हैं आपको कूलर के, और यहाँ पर मिल जाती है आपको आपकी सेपरेट रनिंग वैनिटी, आपको यहाँ पर सिंक मिलता है, टैब मिलते हैं, और लुकिंग यू साइज का मिरर मिलता है, और यहाँ पर भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा मास्टर बेडरूम वॉशरूम। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्रॉपर्टी के थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि आप उसको भी मास्टर बेडरूम कह सकते हैं, वो भी काफी स्पेशियस रहने वाला है। मैं एंटर कर रहा हूँ हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, एंटर करते साथ ही आप दिखा सकते हैं प्रॉपर इटालियन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर भी मिलेगी, बैक साइड में यहाँ पर भी आपको, मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था हर एक रूम में क्रॉस वेंटिलेशन होगा, इसमें भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा टफिन ग्लास के साथ, और आपको डाइकिंग का फिटेड एसी मिलेगा। सीलिंग की अगर मैं बात करता हूँ, दिखा सकते हैं काफी डिजाइनर आपको सीलिंग मिलने वाली है फोकस लाइट के साथ, और मेरे फ्रंट साइड की वॉल में यहाँ पर आपको टीवी कैबिनेट भी प्रोवाइड होगा, और सेम कॉन्सेप्ट आपको हर एक रूम में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी आपको आपका मिल जाता है स्टोरेज स्लाइडर डोर के साथ, देख सकते हैं प्रॉपर स्टोरेज आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस रूम के वॉशरूम की तरफ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इस रूम का वॉशरूम। एंटर करते साथ ही आप देख सकते हैं आपको डब्ल्यूवीसी सिस्टम मिलेगा, सेपरेट आपको शावर एरिया मिलेगा ग्लास फिनिशिंग के साथ, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप अंदर आ जाइए दिखा दें, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूज साइज की रनिंग वैनिटी, आपको यहाँ पर सिंक टैप और यूज लुकिंग मिरर मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन बैक साइड में देखने को मिल रहा है,
तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी, और इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड की बालकनी, जो कि हमारे दोनों रूमों में प्रोवाइड होने वाली है। आप देख सकते हैं कि हमारी बैक साइड की बालकनी रहने वाली है, छोटी सी, दोनों रूम में होगी। और ये था मेरा प्रॉपर्टी का शूट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी प्रॉपर्टी। छोटे साइज के अंदर आपको काफी अच्छा लेआउट देखने को मिला होगा। जो भी गुड़गांव के अंदर प्लान कर रहे हैं छोटे साइज में, कम बजट में, डीएलएफ जैसी लोकेशन में, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, सही प्रॉपर्टी आपने देखी है। अगर आने वाले टाइम में आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करें, अपनी क्वेरी हमारे साथ शेयर करें। आई होप हम आपकी उस क्वेरी के ऊपर कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करेंगे बहुत ही अच्छा सा। और हमारे इस प्रॉपर्टी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो के लिए अपना आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। काफी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग लाते रहते हैं। लोकेशंस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमारे पास एमजी रोड, गोल्फोस रोड, सुशांत लोक, ऑल सुशांत लोक, सन सिटी, ग्रीनवुड सिटी, सारी की सारी एनएचएड की कनेक्टिविटी में भी हम प्रॉपर्टी मल्टीपल ऑप्शन में लाते रहते हैं। और काफी वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि हम नहीं डाल सकते हैं, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। मेरा सभी फ्रेंड्स से सजेशन है, आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल जरूर करें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।